राजनीति भी अजब गजब खेल दिखाती है और अब जबकि चुनाव के परिणाम आ गए, चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हुई कौन सी खबर आ रही है। पूरे देश में चुनावी मतगणना के बाद कांग्रेस में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो झाबुआ में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है और सिवनी मालवा में भी कांग्रेस कार्यालय में मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई देते हुए लोग नजर आए, खुशी का इजहार करते हुए लोग नजर आए। स्थानीय गांधी चौक पर आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील खत्री का कहना है कि अब जनता जुमलेबाज सरकार को पहचान गई है, जिसका परिणाम हाल ही में झाबुआ में देखने को मिला था। साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कांग्रेस की सीट बढ़ने से समझ में आ रहा है कि देश की जनता अब सच्चाई जानने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में न भ्रष्टाचार बढ़ता है और न ही धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती थी, पर अब जनता ने साबित कर दिया है कि ये संभव नहीं है। आने वाले दिन में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस खास मौके पर विशेष रूप से सुशील खत्री, प्रमोद नागेश्वर, शंभु सोनी, मनीष देवड़ा, देवेंद्र पिंटू और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हर्ष के माहौल में नजर आए। जो उपचुनाव झाबुआ का हुआ है उसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ से विधायक जो चुने गए हैं कांतिलाल जी भूरिया को, कमलनाथ जी और हमारी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया और हमें झाबुआ की जनता ने श्री कांतिलाल जी भूरिया को जोड़कर कमलनाथ जी की जो सरकार है जिसमें 6 महीने में काम किए हैं उस पर मोहर लगाई है कि कमलनाथ जी ही इस प्रदेश को विकास के उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार किसानों, गरीबों, हरिजन आदिवासियों की सरकार है। उन सभी ने कांतिलाल जी भूरिया को जो चुनाव में विजयी बनाया उसका यही कारण है कि निश्चित रूप से इस जीत पर कांग्रेस के विवेक तन्खा का अभी अभी एक बयान, बड़ा बयान आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से सफाया होना शुरू हो गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया होना ही है। आप देख लें वहाँ के रिजल्ट भी, जहाँ कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन किया है हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, तो ये जो फंडा है इनका 370 और ये आपस में आपसी लोगों को लड़ाना और बेमनस्ता पैदा करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, और पब्लिक सब समझ चुकी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को जो वो ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अब जनता समझ के और जनता इसको बीजेपी मुक्त बनाने के लिए तत्पर हो गई है।